हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में यरगमाल जमहूरियत का सूरज जरूर गरूब होगा। झूठे वोटों को सपोर्ट करने वाले नादिम होंगे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के तब्दीली सरकार पर लफ्जी निश्तर बोले, मैंडेट चोरी करने वालों को सोचना होगा कि पाकिस्तान आगे गया या पीछे। एक अकलियत इस मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई, माशी तौर पर मुल्क को तबाह बर्बाद किया गया। नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, नैब लॉ और काले कवानीन की जमहूरियत में कोई गुंजाइश नहीं। एक अकलियत इस मुल्क पर मुसल्लत की गई है। बदकिस्मती से ना सिर्फ यह कि वो अकलियत हैं, उनका मैंडेट झूठा है, वो हद दर्जे के नालायक और नाअहल भी। हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, क्योंकि पाकिस्तान बदले लेने का और इंतकाम लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या पाकिस्तान आगे गया या पीछे गया? क्या गुर्बत बढ़ नहीं गई? क्या बेरोजगारी बढ़ नहीं गई? क्या पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी ज़्यादा तकालीफ का शिकार नहीं हुआ? नैब को ख़त्म होना चाहिए, नैब को ख़त्म होना होगा। और नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, और नैब लॉ और इस जैसे दूसरे काले कवानीन की इस जमहूरी मुल्क में गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान में ये जो यरगमाल जमहूरियत है इसका सूरज तलू होगा। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में शहरियों को आइन के मुताबिक आज़ादी आज नहीं तो कल मिल के रहेगी।